Good morning, students. So today we are going to learn a story named Tracy's Shoe. Okay? तो ये जो कहानी है ये छोटे से प्यारे से किटन की कहानी है. किटन किसको बोलते हैं? बिल्ली के बच्चे को. ओके? जिसका नाम क्या है? ट्रेसी. और उसके शू के बारे में कि उसके शू के साथ ऐसा क्या होता है. ओके? तो ये स्टोरी किसकी है? ट्रेसी की, जो एक बहुत ही प्यारी सी किटन है. So let's move forward with the story. Tracy, the pretty kitten, is playing hide and seek with Tad, the pup. Tracy जो है एक बहुत प्यारी सी, pretty का मतलब सुंदर सी किटन है. किटन हम बोलते हैं बिल्ली के बच्चे को. Is playing hide and seek with Tad, the pup. वो किसके साथ hide and seek खेल रही है? Hide and seek हम बोलते हैं ना, छुपन छुपाई जो हम खेलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? Hide and seek. किसके साथ खेल रही है? टैड के साथ. टैड कौन है? टैड है एक पपी. इस पिक्चर में आपको ट्रेसी भी दिखाई दे रही है और टैड भी दिखाई दे रहा है. Suddenly, Tad steps on her foot and her shoe is torn. Suddenly का क्या मतलब होता है? अचानक से, एकदम से. एकदम से क्या होता है? टैड जो होता है वो किसके फुट के ऊपर चढ़ जाता है? ट्रेसी के फुट के ऊपर. एंड हर शू इज टॉर्न. और जो उसका जो शू होता है, जो उसका जूता होता है, वो टॉर्न का मतलब होता है फट जाना, फट जाता है. ट्रेसी क्या बोलती? ओ माय शू इज टॉर्न. ओ क्या हो गया? मेरा शू फट गया, टॉर्न हो गया. तो टैड बोलता है आई एम सॉरी ट्रेसी. क्या बोलता है? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो ट्रेसी. ट्रेसी हैज टू रीच होम बाय 2:30. ट्रेसी को क्या करना होता है? अपने घर पहुंचना होता है 2:30. 2:30 का मतलब होता है 2:30 बजे. क्या मतलब होता है? 2:30. 2:30 हम बोलते हैं ना, 2:30, उसको 2:30 भी बोला जाता है. ओके? तो ट्रेसी को अपने घर पहुंचना होता है कितने बजे तक? 2:30 बजे तक. शी गेट्स वरिड एंड स्टार्ट्स वीपिंग लाउडली. अब उसको क्या होने लगती है? चिंता होने लगती है. वरिड का मतलब चिंता होना, परेशान होना. वो चिंता करने लगती है एंड स्टार्ट्स वीपिंग लाउडली. वीपिंग का मतलब क्या होता है? जोर जोर से रोना. और वो क्या करने लगती है? रोने लगती है. लाउडली जोर जोर से, वो क्या होता है? वीपिंग का मतलब रोना, जोर जोर से रोने लगती है. इट वरीज टैड टू. अब इसकी वजह से किसको और परेशानी होती है? टैड भी इसकी वजह से परेशान होता है. वो रोती है और वो परेशान होती है, तो टैड भी परेशान होता है. अब वो क्या सोचता है? What shall I do? I have torn my little friend's shoe. कि अब मैं क्या करूं? मैंने अपने जो मेरी छोटी दोस्त है, मेरी प्यारी सी दोस्त है, उसके शू को मैंने क्या कर दिया? फाड़ दिया. Okay, I have torn my little friend's shoe. Shammer the street mouse sees them. अब यहाँ पे देखो एक माउस की एंट्री हुई है. पहले ऑलरेडी ट्रेसी थी, यहाँ पर बिल्ली किटन, टैड द पप, और अब कौन आ गया? एक माउस आ गया जिसका नाम क्या है? शैमर द स्ट्रीट माउस. सड़क पर घूमने वाला चूहा, वो उनको देखता है. ही थिंक्स दैट दे माइट नीड सीजर्स. उसे लगता है, वो सोचता है. थिंक का मतलब सोचना. वो सोचता है कि हो सकता है. माइट का मतलब क्या होता है? हो सकता है. हो सकता है कि उन्हें किसकी जरूरत हो? कैंची की. सीजर्स हम किसको बोलते हैं? कैंची की. कैंची. और नीड किसको बोलते हैं? जरूरत होना. ठीक है? तो ये शैमर जो है, जो कि एक स्ट्रीट माउस है, वो क्या सोचता है? कि हो सकता है इन्हें किसकी जरूरत पड़े? कैंची की. टुगेदर. टुगेदर यानी एक साथ. टुगेदर द थ्री फ्रेंड्स गो टू द बार्बर. अब ये सारे जो तीनों दोस्त होते हैं, ये इकट्ठे होकर किसके पास जाते हैं? बार्बर के पास. आप लोग भी जाते हो बार्बर के पास? बार्बर किसको बोलते हैं? जो नाई होते हैं, जो आपके बाल काटते हैं. आप जाते हो ना पार्लर्स वगैरह में, वहां पे कौन आपके बाल काटते हैं? बार्बर. क्या बोलते हैं उनको हम? बार्बर. तो अब क्या बोलता है टैड? बार्बर बार्बर मेंड दिस शू, गेट इट डन बाय 2:30. अब बोलता है बार्बर बार्बर इस शू को क्या कीजिए? बना दीजिए. मेंड का मतलब क्या होता है? फिर से रिफॉर्म करना, फिर से बनाना. इसको बना दीजिए, गेट इट डन बाय 2:30. प्लीज इसे ठीक कर दीजिए 2:30 बजे तक किसी भी हालत में. ओके? अब बार्बर क्या बोलता है? आई यूज सीजर्स. बोलता है मैं कैंची का यूज करता हूँ, बट आई कट हेयर. पर मैं कैंची का यूज किस लिए करता हूँ?
बाल काटने के लिए। यू नीड अ नीडल टू स्टिच योर शू। तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? तुम्हें जरूरत पड़ेगी एक सुई की। नीडल किसको बोलते हैं? सुई को। इसको स्टिच करने के लिए, इस शू को स्टिच करने के लिए, सिलने के लिए, स्टिच का मतलब होता है सिलना, इसको सिलने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? नीडल की। द टेलर हैज द नीडल। वो बोलता है कि किसके पास मिलेगी तुम्हें नीडल? टेलर के पास। ठीक है, टेलर किसको बोलते हैं? जो हमारे कपड़े बनाते हैं, जो हमारे कपड़े सिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टेलर। तो बार-बार उनको बोलता है कि तुम्हें नीडल, जो सुई है, वो किसके पास मिलेगी? टेलर के पास। ट्रेसी इज सैड। ट्रेसी क्या होती है? उदास हो जाती है। सैड यानी उदास होना। सैड का ऑपोजिट क्या होता है? हैप्पी। हैप्पी यानी खुश होना और सैड यानी उदास होना। शी स्टार्ट्स वीपिंग अगेन। अब वो फिर से रोना शुरू कर देती है। लूसी द काउ हियर्स हर क्राई। वहां पर एक गाय भी आ जाती है जिसका नाम क्या होता है? लूसी। वो उसको रोते हुए सुनती है। हियर का मतलब सुनना। ओके, वो उसको रोते हुए सुनती है। शी रन्स फॉर हेल्प। अब वो उसकी मदद करने के लिए ट्रेसी के पास दौड़कर जाती है। दे गो टू द टेलर। अब ये चारों इकट्ठे हो जाते हैं। कौन कौन चारों? ट्रेसी, द किटन, टैड द पप, शैमर द माउस एंड लूसी द काउ। अब ये सारे इकट्ठे होके किसके पास जाते हैं? टेलर के पास। अब लूसी बोलती है, टेलर टेलर मेंड दिस शू, गेट इट डन बाय 2:30। क्या बोलती है लूसी? कि टेलर टेलर इस शू को बना दो, जल्दी से इसको ठीक कर दो, गेट इट डन बाय 2:30, किसी भी तरह इसे ठीक कर दो। कितने बजे तक? 2:30 बजे तक इसे ठीक कर दो। अब टेलर क्या जवाब देता है? आई हैव अ नीडल बट आई स्यू क्लॉथ्स। मेरे पास सुई है, मेरे पास नीडल है, पर मैं कपड़े सिलता हूँ। सिउ का मतलब सिलना। ओके, मैं क्या बनाता हूँ, मैं क्या सिलता हूँ? कपड़े सिलता हूँ उससे। गो टू द कॉबलर, ही मेंड्स शूज। अब वो उनको क्या बोलता है कि तुम किसके पास जाओ? कॉबलर के पास जाओ। कॉबलर जो होता है वो तुम्हारे जो शूज हैं उनको ठीक कर देगा। कॉबलर हम किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा कॉबलर। कॉबलर हम बोलते हैं मोची को। ओके, कॉबलर किसको बोलते हैं? मोची को। तो अब टेलर क्या बोलता है कि आप सब किसके पास जाइए? कॉबलर के पास जाइए, वो आपके शूज ठीक कर देगा। टुगेदर द फोर फ्रेंड्स गो टू द कॉबलर। अब ये सारे चारों दोस्त इकट्ठे होके किसके पास जाते हैं? कॉबलर के पास, मोची के पास। ओके, अब टैड बोलता है, कॉबलर कॉबलर मेंड दिस शू, गेट इट डन बाय 2:30। और बोलता है, कॉबलर कॉबलर प्लीज इस शू को बना दीजिए, इसे सिल दीजिए, इसे ठीक कर दीजिए, और कितने बजे तक? प्लीज इसे 2:30 बजे तक किसी भी तरह से ठीक कर दीजिए। ठीक है, द कॉबलर टेक्स द शू। कॉबलर उस शू को लेता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कॉबलर उस शू को ले रहा है, राइट? He looks at it, उसकी तरफ देखता है, then he starts working with his needle, hammer and a strong thread. फिर वो क्या करता है? उस पे काम करना शुरू करता है। किसके साथ? needle के साथ। needle यानी सुई, hammer, hammer हम किसको बोलते हैं? हथौड़े को, and a strong thread. strong का मतलब होता है मजबूत, मजबूत। thread का मतलब धागा, okay? एक मजबूत धागे के साथ और हथौड़े के साथ और नीडल के साथ काम करना शुरू करता है। One stitch here, one stitch there and the shoe is mended. मतलब एक स्टिच एक तरफ लगाता है, फिर दूसरी तरफ दूसरा स्टिच लगाता है और इस तरीके से जो जूता होता है वो फिर से बन जाता है, जो शू होता है वो मेंड हो जाता है। ट्रेसी वेयर्स द शू। फिर ट्रेसी क्या होता है? ट्रेसी क्या करती है? उस शू को पहन लेती है। वेयर का मतलब पहनना। She feels happy. अब पहले तो उदास होती है जब उसका जूता खराब हो गया होता है, अब जैसे उसका जूता ठीक होता है, she feels happy. अब वो खुश हो जाती है। Now she can reach home in time. अब वो अपने घर जल्दी से पहुंच सकती है, टाइम पे पहुंच सकती है। She thanks the cobbler. वो किसको थैंक यू बोलती है? कॉबलर को थैंक यू बोलती है। She thanks her friends for being with her and helping her. फिर वो और किसको थैंक यू बोलती है, किसको और धन्यवाद बोलती है? अपने फ्रेंड्स को भी बोलती है, क्योंकि वो उसके साथ रहे और उसकी इतनी हेल्प करी, उसकी इतनी मदद करी। हेल्प का मतलब मदद करना, हेल्पिंग हर। शी हग्स देम
एंड वॉक्स होम हैप्पीली। वो उन सबको क्या करती है, गले लगाती है। हग का मतलब गले लगाना, उनको गले लगाती है और फिर अपनी घर की तरफ चलती है खुशी खुशी। ओके, थैंक यू सो मच।